हमने थ्री फेज इंडक्शन मशीन की स्पीड कंट्रोल के लिए स्टेटर साइड से जो मेथड्स अडॉप्ट करते हैं उसमें दो मेथड्स देखी। पहली थी वोल्टेज बाय फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, जो कि बहुत वाइडली अडॉप्टेड नहीं है। दूसरी सप्लाई फ्रीक्वेंसी चेंज, सप्लाई वोल्टेज चेंज के केस में भी हमारे पास रिस्ट्रिक्शन हो रहा है कि बहुत स्पेसिफिक यूज के लिए होता है, जबकि हमारे पास स्टार्टिंग में लो टॉर्क चल जाए और रनिंग टॉर्क देन कैन बी मेंटेन। तीसरी मेथड है वी कैन कंट्रोल द स्पीड ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर बाय चेंजिंग नंबर ऑफ पोल्स। दिस मेथड इज इजीली एप्लीकेबल टू स्क्विरल केज मोटर। क्यों? क्योंकि स्क्विरल केज रोटर अडॉप्ट्स इटसेल्फ टू एनी रीजनेबल नंबर ऑफ स्टेटर पोल्स। अच्छा, स्टेटर पोल्स का नंबर चेंज कैसे करेंगे? इट कैन बी अचीव्ड बाय हैविंग टू मोर एंटायरली इंडिपेंडेंट स्टेटर वाइंडिंग इन द सेम स्लॉट्स। सो दो तरह की स्टेटर वाइंडिंग सेम स्लॉट्स में जब हमने अलग अलग वाइंड की तो हम उनको डिफरेंट कॉम्बिनेशन के साथ टर्मिनल कनेक्ट टर्मिनल पर पैरेलल या सीरीज कनेक्ट करके नंबर ऑफ पोल्स अलग अचीव कर सकते हैं। तो ईच वाइंडिंग इज गिवन अ डिफरेंट नंबर ऑफ पोल्स और इसलिए हमारे पास डिफरेंट सिंक्रोनस स्पीड अवेलेबल हो पाती है। तो ये या तो टू पोल या फोर पोल हम अचीव करते हैं विद द स्टेटर वाइंडिंग कनेक्शन चेंजेस, और इसलिए इस मेथड में हमारे पास स्टेप्ड वेरिएशन पॉसिबल हो सकता है और दो ही स्टेज का वेरिएशन पॉसिबल है। जैसे कि अगर हमें मशीन को दो टू पोल्स के साथ काम करना है या फोर पोल के साथ काम करना है, टर्मिनल पर हमने कनेक्शंस को चेंज किया, तो इस तरह से सिर्फ दो स्टेप में स्पीड वेरिएशन पॉसिबल होता है, दैट इज डिस्क्रीट, आइदर टू पोल और फोर पोल ऑपरेशन। सो दिस अगेन इज अ रिस्ट्रिक्टेड मेथड फॉर स्पीड कंट्रोल ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर।